व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोज किचन घी, क्योंकि एक लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोज किचन घी शुद्ध ऑर्गेनिक बिना मिलावट के देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोज किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोज किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। भाड़ा के घर दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, बकायेदार महिलाओं और एजेंट अफसर डायरी के परिवार के बीच हुई मारपीट। परवीन कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 17 अप्रैल दोपहर में रशीद कंपाउंड में खूब घमासान हुआ, और ये घमासान था महिलाओं का एक गुट और एक परिवार के बीच में। परिवार है अफसर शेख उर्फ अफसर डायरी के नाम से जाने जाने वाले शख्स के परिवार का। दोनों तरफ से खूब हाथापाई हुई, खूब गाली गलौज हुई। वजह यह थी कि ये जो महिलाएं हैं, इनका कहना है कि अफसर डायरी ने अलग अलग महिलाओं से, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 3, किसी से 4, ऐसे लाखों रुपए जो है 6-7 महिलाओं से लिए। कुल 15 लाख की रकम है, और ये तमाम पैसे जो है वो म्हाड़ा में फ्लैट दिलाने के नाम पर लिए गए थे, और अब वो उन्हें फ्लैट देने से आनाकानी कर रहा है, वहीं पैसे भी देने से आनाकानी कर रहा है, और इतने पैसे होने की बात को ही वो कबूल नहीं रहा है। बहरहाल, किस तरीके से रशीद कंपाउंड में यहाँ माहौल था, कैसे मारपीट हुई, वो हम आपको बता रहे हैं। और अपनी शिकायतों को लेकर के इन पूरे भुक्तभोगी महिलाओं के गुट में से कुछ महिलाओं ने बात की है, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अफसर शेख और अफसर डायरी का कहना है कि ये सारे इल्जाम झूठे लगाए जा रहे हैं, जो मुझसे व्यवहार किया गया है वो बहुत कम रकम का है, इतनी ज़्यादा रकम है नहीं, और मैं इनको पैसे लौटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये लोग मुझे वक्त देने तैयार नहीं है। बहरहाल, मामला पुलिस में अभी प्रलंबित है, किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है, क्योंकि जो महिलाओं का गुट था उनमें से 2 महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मार लगने की वजह से उन्हें पुलिस द्वारा जब मेडिकल के लिए कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल भेजा गया, तो उन्हें वहां पर डॉक्टरों ने इलाज के लिए भर्ती करा लिया है। अभी कानूनी कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। तो देखिए किस तरीके से म्हाड़ा की इमारतों में फ्लैट दिलाने के नाम पर ये पूरा ठगी का मामला है, और कैसे इसमें मारपीट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरुन निसा अब्बास अली सैयद। आपका रशीद कंपाउंड में एक किस चीज को लेके जो विवाद चला था, वो किस चीज को लेके था? ये विवाद ऐसा चला था कि टोरंटो की बिल बहुत आ रही थी, तो मैंने बिल कम करवाने के लिए, मुझसे मालूम पड़ा कि वहाँ बिल कम हो रही है, और मैं बिल कम करवाने गई थी। बिल कम करवाते करवाते वहाँ से म्हाड़े का रूम का नाम निकला, और उसने क्या बोला, आप लोग कहाँ रहते हो? किसने बोला ये म्हाड़ा के रूम के बारे में, किसने बोला? अफसर डायरी वो बोलता है डायरी बंद नहीं किया हूँ, खाली छोड़ा हूँ, ऐसा बोलता है और डायलॉग मारता है, और बोलता है कि खाला मैंने म्हाड़े का रूम तुम्हारे को फर्स्ट जनवरी में खाला तुम्हारा चाबी तुम्हारे म्हाड़े का रूम अंधेरी लोखंड वाले में तुमको मैं दिलाऊं, और तुमको इसके लिए 5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। मैंने बेटा, मैंने अपना जेवर, अपने बच्चियों का जेवर सब रख रख के बेटा मैंने उसको पैसे दी। उसके बाद में मेरे से फिर कम बात किया कि आप लोग कहाँ रहते थे? मैं बोली बेटा मैं वडाला रहती थी। बोले अरे अरे, बोले हमारी आयशा भी वहीं की है। फिर मेरे बच्चे लोग को कंफ्यूज करके कि जनाब जी के पास हम लोग ने पढ़े हैं, आयशा हम मीठा कोरबा घर वहाँ पढ़े, हम लोग फ्रेंडली है, फ्रेंडली बोल बोल के बेटा हमारा दिल जीता, और हमको म्हाड़े का रूम का बोल बोल के हमसे पैसा मंगाते गए, और हम देते गए। आपने पैसे जो दिए हैं 5 लाख, वो चेक में दिए हैं, किस तरीके से? नहीं, चेक में नहीं ले रहा था, वो हमसे कैश ले रहा था। कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका? कोई रिकॉर्ड नहीं है बेटा हमारे पास, कभी रोड पे लेता था, कभी हमारे घर पे आके लेता था, कभी अपनी दुकान। गवाह भी नहीं? कोई गवाह नहीं है, एक गवाह है मेरे पास, शबाना
भाभी है गवाह, उन्होंने देखे मुझे पैसा देते हुए। वो कहाँ अभी? हाँ अभी वो कहीं होंगी, यहीं कहीं होंगी बेटा, और उन्होंने देखे है पैसा मुझे देते। अच्छा, ये जो माड़ा के रूप के लिए जो पैसे आपने दिए थे, हाँ। तो माड़ा के कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे या माड़ा ऑफिस में आप गए थे? मुझे माड़ा बोल के लेके गया बांद्रा कोर्ट के पास, और वहाँ सामने होटल में बिठा दिया मेरे बड़े बेटे को, मेरे छोटे बेटे को, दोनों को बोला पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये लगेगा वरासत के उसमें। और उसने गया अंदर से कहाँ से पेपर लाया, होटल में हम लोग से साइन लिया। साइन लेने के बाद मैं बोली बेटा मैं एक फ़ोटो ले लूँ, मुझे फ़ोटो ले ही लेने दिया, सामने हाथ रख दिया, और हाथ रखने के बाद फ़ोटो नहीं लेने दिया। फिर बोलता मैं जेरोक्स ला के देता हूँ, और फिर मेरे छोटे बेटे को लेके गया साथ में, और वो बोला मेरे को अर्जेंट जाना है, वो पेपर लेके निकल गया भाई। और मुझसे उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरे बच्चे मेरे को मेरा साथ दो। आपका आपका जो पैसा था उसको जो लेके आपने यहाँ पुलिस चौकी में, मुमरा पुलिस चौकी में टकरार दर्ज कराई थी? हाँ, मुमरा चौकी में हमने नहीं आए, हमको वो लतकर साहब का डर दिखाता है, हमको सोनावले सर का डर दिखाता कभी है। आप वड़कर साहब से या सुनावले सर से मिले थे आप? नहीं, मिली तो नहीं थी, लेकिन मेरे दामाद का घर इसने क्या किया था, मेरी दामाद मेरी समधन भाड़े हाईवी डिपॉजिट पे रहते थे, तो उनका मैटर ऐसा फंसा था कि उन्होंने 90,000 रुपया घर रिपेयरिंग में डाले थे। उनके घर वाले ने बोले थे कि तुम रिपेयरिंग करा लो, तुमको ये पैसा हम आएंगे तो एडजस्ट कर देंगे। जब वो रूम खाली करने की बात आई तो वो उन्होंने क्या किया, लेके यहाँ पे आए सोनावले साहब सर के सामने और अलतकर सर के सामने। अलतकर ने बोले जो भी रिपेयरिंग का बिल है वो लेके आओ, जो बिल्डिंग की रिपेयरिंग है वो बिल लेके आओ। मेरे दामाद ने सारी बिल लेके आए, और लाने के बाद में कोई एक अपने जफर नुमानी के कॉन्टेक्ट में एक लेडीज़ है, उसका शबाना की सपनम क्या नाम है, वो लेडीज़ आई, वो हमको रूम खाली करवाने की धमकी देने लगी। सोनावले सर ने बोले तुम्हारा पैसा लो, चाबी लाके यहाँ दो। और अफसर ने हमको साइट में लेके बोलता है, वो हमारे गांव का है, वो लेने वाला भी गांव का है और बेचने वाला भी गांव का है। सर वो हमारे पैसा लेके वो फ्लाइट से गांव गया, और बात करके बोलता मैं आया हूँ, वो लोग नहीं देंगे तो मैं दूंगा, मेरी छोटी बेटी को यही बोल रहा था। चौकी में उसने कमिटमेंट किया था, उसने सुनो मेरी बेटी को बोला मैं दूंगा। तो सर ना कभी उसकी मीटिंग कहाँ हो रही थी, कहाँ क्या हो रहा था, उस लेडीज़ को बोलता है वो बोले सुनो बोले वो दलाली खाई होगी, मैं दलाली नहीं खाया। तो ये बात मैंने वो औरत से भी नहीं कहा कि झगड़े हो जाएंगे, जाने दो, मैं चुप रह के सबर कर गई बेटा। अब इसके आगे और मैं क्या करूं, मेरी बेटी का आज जो मारपीट हुई है, हाँ उसने ये हमको कैसे हुई, आप हाँ, लोग को क्यों बुलाया था, उसने क्या कहा, पैसे देने के ही लिए बुलाया था, और कितने लोग आप लोग गए थे? हाँ मैं गई थी, मेरी एक बेटी दो तीन बेटी थी और मैं थी, हम चार जन गए थे। और उसकी वाइफ नमाज पढ़ रही थी, हम जाके घर में एंट्री करे, सलाम दुआ करे, बैठे, ये उठ के अपने बेडरूम से आया, आने के बाद ये सोफे पे बैठ गया। बैठने के बाद मैंने उसको बोली अफसर तू क्या बोल रहा है बेटा, हमारे पैसे का बोल, और नहीं तो फिर हमको कुछ लिखा पढ़ी करके दे। तो बोलता लिखा पढ़ी तो कुछ नहीं दूंगा, लेकिन पैसे भी अभी नहीं है, जब होगा तब दूंगा। और 20 तारीख को बोले तुमको थाना की कहाँ बोले तुमको बुलाता हूँ और पूरा डिटेल देता हूँ, वो भी कैंसिल कर दिया। ऐसे ही हमको तारीख पे तारीख देता है और हमको कहीं भी नहीं लेके जाता। विवाद कैसा चालू हुआ? विवाद इसी के ऊपर, ये इसने जब तकरार किया नहीं देता, क्या करते तुम लोग, इन लोग इसने हमको घर पे बुला के इसने पूरी सेटिंग अपने खानदान में लगा के रखा था, ये लोग आएंगे इन लोग को मारो, इन लोग को मारो, और इन लोग ने हमको मारे, हमारी बच्चियों को दांत काटे, हमारी बच्चियों को पेट। कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे 3 बच्चे घायल हुए हैं। किधर है अभी? सर शिवाजी हॉस्पिटल में 2 बेटियां मेरी एडमिट है, मेरा बेटा आ गया। क्या नाम लड़का आया? मेरी एक बेटी का फरजाना नाम है, फरजाना जिशान शेख खान, और एक है जोहरा शिबू खान, ये मेरी दोनों बेटियाँ हैं जी। मेरी छोटी वाली बहन को दाते काटे, और वो हमको इतने टाइम ही दोपहर को क्यों बुलाया, क्योंकि हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं रहता, सब ऑफिस टाइम है। अच्छा। तो हमको लेडीज को बुलाया कि आओ इधर बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है, मैं बताता हूँ पैसे का घर का। किस किसने मारा और किस किसने दाटा? उसका छोटा वाला भाई है, उसने दाते काटा है, और जो एक सामने उसकी बहन रहती है उसका छोटा भाई था, वो भी कम से कम 15 साल का था, उसने जय दिया जावेद नाम है, उसने भी इतना जबरदस्त मारा। वीडियो बताइए, वीडियो वीडियो
देखो ये मुनीर ये तीनों चारों ये भी इंसान चारों लोगों का नाम बताइए, ऐसा मत करिए कौन मारा है, तफसीर से उनका नाम बताओ ना भाई, वो उसके रिश्तेदार है, हमको नाम कैसे मालूम है। हां बताता हूं सुनो, हां बताइए। अफसर जब हम लोग गए ना तो ये जो बिल्डिंग में रहता ना शमा मंदिर, तो इसके थर्ड फ्लोर पे ना इसकी पूरी फैमिली रहती है, इसके घर के सामने थर्ड फ्लोर, उसके घर के सामने वाले घर पे उसकी पूरी बहन लोग रहते हैं, उसके मामा लोग रहते हैं। तो हम लोग जब गए ना तो उसने अपने आप को रूम में एक बंद कर दिया। मारा कितने लोगों ने वो बताओ, उनके नाम बताओ। पहला उसकी बीवी, उसका नाम है आयशा, कम से कम आठ थी, उसका नाम है आयशा शेख, उसकी बेटी अरे अनाबिया अरबिया या अनाबिया नाम है वो थी, तीसरा उसका भाई था जावेद नाम है उसका, जावेद शेख, चौथा उसका उसका मामा था मुनीर, पांचवा उसकी बहन का नाम नहीं मालूम, उसकी बहन लेकिन उसके घर के सामने ही है, गुड़िया। टोटल कितने लोग थे? टोटल 10 से 12 जन थे हम लोग को मारने के लिए। मैं गया, 4 से 5 लोगों का नाम मालूम है। हाँ मैं गया उधर, बीच में लोगों का झगड़ा हो ही रहा था। पुलिस स्टेशन में आए थे, क्या हुआ आपके FIR ले गए, कुछ एनसी वगैरह हुआ? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। मेडिकल वगैरह कराया गया? मेडिकल करा के आ गया हूँ मैं। कितने लोग और दो अभी हमारे एडमिट है, दो बहन एडमिट है अभी भी, मैं वहीं पे था उन लोग के साथ। देखो मेरे को उसने इधर पे भी काटा है, एक बहन का बाल पकड़ के ऐसा नीचे करे, उसको बेबस कर दिए थे, एक को यहाँ पे काटा है, और उसकी थाइस को ले, थाइस को ले तो जेंस, काटा है जेंस ने, उसने और सबसे पहले उसने चाकू लेके आया था, उसको यहाँ पे काटा है। गए ना उसका जो छोटा भाई है ना अफसर डायरी का छोटा भाई, वो दूसरी बेडरूम में सोया हुआ था, उसने मेरी बेटी को बुलाया, बोलता है सुनो ना बोले तुमसे मेरे को एक बात करने का, और मेरी बेटी को हाथ पकड़ के उसने बेडरूम में खींचा है। उतने में क्या हुआ हम लोग अंदर जब भागे हैं ना तो वहाँ से लफड़ा चालू स्टार्ट हो गया। उसने मेरी बेटी के ऊपर गलत नज़र रखा, मेरी बेटी का थाइस में दांत काटा, उसने बहुत मारा मेरे बच्चे को, बहुत मारा। हम लोग सिर्फ 3 बेटी और 1 मैं माँ, हम 4 लोग गए थे भाई। CCTV कैमरे में तो ज्यादा ही बता रहे? नहीं भाई, ये सब और लोग होंगे, दूसरे होंगे, जो पैसा लिया था। अच्छा आपकी फैमिली क्या बता रही है? आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप लोग ने भी उनको मारा है, उन लोग भी जख्मी हैं, यही सच्चाई है बेटा। जब मेरे बच्चियों को मारने लगे हैं, हम तो छुड़ाते छुड़ाते भी मार खाए हैं बेटा। ये मेरा गला कसा गया था, लोग सब दांत काट रहे थे, सबको पकड़ के बाल नीचे करके दांत काट रहे थे पूरे नाक। भाई मोहम्मद अली सैयद, ये जो पैसे को लेके विवाद चल रहा है माड़ा के रूम के बारे में, तो ये विवाद किस तरीके का है और ये मसले कितने उलझे हुए हैं और कैसा ये मामला है? भाई दिसंबर से ये नवंबर दिसंबर से ये चीज़ चालू हुई है। ये मेरी सास है, ये उसके कॉन्टेक्ट में आए, उसने क्या किया, उसका एक तरीका है भाई पैसा लेने का, खाला 50,000 रुपया लेके आओ, माड़ा ऑफिसर को भी देने गए, साइन कराने गए, अपना रूम हो जाएगा, 50,000 रुपया लेके। अच्छा बेटा मैं अकाउंट से देती हूँ चेक से, नहीं खाला तुम अभी कैश लेके आओ, मेरे को कैश देने गए, साहब को कैश दूंगा तो साइन होगी, 50 लेके आए। फिर दूसरे दिन फ़ोन आता है, खाला 1,00,000 रुपया चाहिए मेरे को, 1,00,000 रुपया ला के दो, दूसरा पेपर अपना साइन हो जाएगा, कल अपने को माड़ा का घर मिल जाएगा। अच्छा ये ऐसे ऐसे करके अपने पैसे दे दिए उसको। सेकेंड टाइम जब अपना आता है कि भाई 1 महीने के बाद अपने को रूम देने गए, तो भाई अफसर भाई रूम दे दो, तो रूम के ऊपर क्या होता है, खाला अभी नहीं 15 दिन के बाद देंगे, फिर 15 दिन के बाद एक डेट देता है, फिर 15 दिन पे जाओ, फिर वही डेट मिलती है। तो जब आदमी चारों तरफ से इंक्वायरी मालूम पड़ती है तो आदमी क्या करता है, अफसर भाई अगर घर दे रहे तो दे दो, नहीं तो मेरे पैसे दे दो। आपके ये टोटल जो पैसे दिए हुए हैं, आपके घर में टोटल कितने लोगों ने दिया? मेरे घर में टोटल भाई 6 लोगों ने पैसा दिया। 6 लोगों ने कितना कितना पैसा दिया आप लोगों ने? मेरी सास का 3.5 लाख रुपए है। नहीं, जेवर बेच के जेवर गिरोह मार के मैंने दी हूँ पैसे। और ये एक मेरी बेटी का है। ये सब जो पैसे दिए हुए ना भाई, ये मारवाड़ी के वक्त जेवर गिरवी रख के दिए हुए हैं। ये सिर्फ मेरा पैसा है, ये मेरी बेटी का पैसा है। अच्छा हम लोग ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए, कि अफसर भाई तुम पैसे की बात कर रहे हैं, अगस्त में हमारे को रूम का 25 नहीं है महाड़ा का। अच्छा तो ये जितने सब है सब आपके रिलेटिव है? सब रिलेटिव है, खाली वो अलग है, वो 4.5 लाख रुपया उनका अलग है। 9 तारीख दे रहा था, हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स पेपर बनाए, ये डॉक्यूमेंट पेपर उसके पास लेके गए कि हमारे को डॉक्यूमेंट्स पे साइन दे दे। अच्छा मतलब लिखा पढ़ी के बाद ही ये? हाँ भाई लिखा, हाँ तो लिखा पढ़ी की बात आई ना, तो उसको मालूम पड़ गया कि मैं लिखा पढ़ी करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। तो उसने क्या किया, घर बुलाया कल रात में 1:30 बजे, मेरी साली को फोन करता है 1 बजे कि तुम अपनी अम्मी को लेके आ जाओ बात करने के। पूरी रात दुकान। तो भाई हमारे घर में अलाउ नहीं है कि 12 के बाद तुम बाहर जाके बात करो, तो कोई गया नहीं, हम लोग बोले कल जाएंगे। अच्छा ये विवाद आपका जो चल रहा है, इस शख्स का पूरा नाम क्या है?
इसका पूरा नाम है अफसर शेख। अफसर शेख ये अफसर डायरी के नाम से फेमस है। जो अफसर डायरी है उनका कहना ये है, आप लोग सब घर में घुस के आप लोगों ने मारा, उनके घर में कबाड़ तोड़ा और उनके सामान और मोबाइल अन्य चीजें आपने उठाई। भाई आज के डेट में ना कानून है, संविधान है और हर आदमी कानून के तरीके से ही काम करता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि किसी के घर में घुस जावे और मार देवे। उसने हमारे को बुलाया, रिकॉर्डिंग है फोन के ऊपर, कल नहीं जाके आज गए और बात करने गए थे, ना कि मारामारी करने गए थे। मारामारी करके पैसे नहीं निकलते भाई, हमारे को हमारे पैसे चाहिए। जेवर बेच बेच के कहाँ कहाँ से लाके हमने दिए हमारे को पता है।